हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको फ्रैंक जेम्स मार्शल का एक बेहतरीन क्लासिक विन सेक्रीफाइस दिखाने जा रहा हूं, जो कि उन्होंने डेविड जोनवस्की के सामने ब्लैक पीसेस के साथ दिया था। उन्होंने ये गेम जो है 1912 में खेली थी, जहाँ पर डेविड ने जो है गेम की शुरुआत e4 से की। एंड नाउ e5 बाय मार्शल, नाइट f3, नाइट f6 और ये है दोस्तों पेट्रोफ डिफेंस या तो फिर रशियन डिफेंस, जहाँ पे वाइट जो है वो नाइट कैप्चर्स ऑन e5 खेलता है और ब्लैक तुरंत ही नाइट कैप्चर्स ऑन e4 नहीं खेल सकता। अदरवाइज क्वीन e2 के बाद आप जैसे ही नाइट मूव करोगे, ये नाइट जो है c6 पे जाएगी, डिस्कवर चेक में आपकी क्वीन चली जाएगी। सो नाइट कैप्चर्स ऑन e5 के बाद एक्चुअली ब्लैक पहले d6 खेलता है, नाइट को यहाँ से हटाता है और अब जैसे ही नाइट f3 या तो फिर कहीं और मूव होती है, हम जो है वो नाइट कैप्चर्स ऑन e4 खेल सकते हैं, क्योंकि अभी क्वीन e2 एंड देन क्वीन e7 पॉसिबल है। इस पोजीशन में d4 खेला गया एंड नाउ d5, बिशप d3, बिशप d6 और दोस्तों यहाँ तक सब सही था। और अब जो है वो वाइट को शॉर्ट कैसल करना चाहिए, बट वाइट ने जो है वो c4 खेला और मार्शल ने यहाँ पे शॉर्ट कैसल किया। सो अपने पोन का जो है वो सेक्रीफाइस दिया और वाइट को अभी भी दोस्तों कैसल ही करना चाहिए, बट उसने जो है पोन कैप्चर्स ऑन d5 खेला और वाइट कह रहा है कि अब मैंने जो है आपका एक पोन कैप्चर कर लिया है, आपका नाइट जो है अंडर अटैक है, सो आपके पास यहाँ पर क्या है। सो वीडियो पॉज कीजिए दोस्तों और सोचिए ब्लैक को यहाँ से किस तरह से कंटिन्यू करना चाहिए। रेडी, यहाँ पे मार्शल ने बिशप b4 चेक दिया और अभी देखिए नाइट c3 का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, अदरवाइज उधर कैप्चर होंगे एंड लास्ट में बिशप कैप्चर c3 और रुक भी जा रहा है। सो इस पोजीशन में अगर आप बिशप d2 खेलते हो, बट देन नाइट कैप्चर्स ऑन d2, नाइट कैप्चर्स ऑन d2 और रुक e8 चेक के बाद वाइट को अपने कैसल का राइट जो है वो खोना पड़ेगा और उसके बाद हम जो है सिंपली d5 पे कैप्चर भी कर सकते हैं। और अगर वो बिशप e2 खेलता है दोस्तों, देन क्वीन टू e7 होगा और अभी देखिए यहाँ पे वाइट को जो है अपने पीसेस डेवलप करने में काफ़ी दिक्कत है, कैसल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि क्वीन कैप्चर्स ऑन जो है e2 आ रहा है, राइट। सो उसी तरह से बिशप b4 चेक के बाद से आप यहाँ पे नाइट d2 खेलते हो, बट देन दोस्तों बिशप f5 जो है वो काफ़ी डेंजरस है, से आप कैसल करते हो बट आपका एक्शन चला जाएगा, नाइट कैप्चर्स ऑन d2, बिशप कैप्चर्स ऑन f5 और नाइट कैप्चर्स ऑन f1 के बाद आप देख रहे हो कि गेम में जो है वो ब्लैक के पास एक्शन ज़्यादा है। सो ये भी ब्लैक के लिए विनिंग है। सो बिशप b4 के बाद डेविड ने क्या किया दोस्तों, किंग f1 खेला। सो इस तरह से मार्शल ने क्या किया दोस्तों, वाइट का ये रुक जो है उसको गेम में आने से स्टॉप कर दिया, क्वीन कैप्चर्स ऑन d5 एंड नाउ क्वीन c2। सो आपकी नाइट पे दूसरा अटैक है, नाइट मूव करते हो तो शायद आपका h7 पोन भी ड्रॉप हो सकता है, दूसरी ओर आपका पोन ऑन c7 भी जा रहा है, तो क्या खेलोगे आप। मार्शल ने यहाँ पे रुक e8 खेला और पॉइंट ये है कि क्वीन कैप्चर c7 जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, अदरवाइज सिंपली नाइट c6 और अभी आपकी क्वीन जा रही है, क्योंकि यहाँ पे मेरी थ्रेट है बिशप टू d6 और क्वीन ट्रैप की। सो नाइट a3 फोर्स ताकि आप जो है बिशप c4 खेल पाओ, बट देन बिशप d6 और अब बिशप c4 आते ही ब्लैक जो है क्वीन कैप्चर c4 खेल सकता है, नाइट कैप्चर्स ऑन c4 क्योंकि क्वीन कैप्चर c4 जो है वो चेक था, और अब बिशप कैप्चर c7 के बाद ब्लैक के पास एक एक्स्ट्रा पीस रहेगा। सो ये भी दोस्तों ब्लैक के लिए विनिंग है। सो गेम में क्या हुआ, रुक e8 के बाद एक्चुअली वाइट ने नाइट c3 खेला, ब्लैक की क्वीन पे अटैक है, नाइट कैप्चर्स ऑन c3। सो अभी रुक का रास्ता जो है वो e1 के लिए ओपन कर दिया और इसके पीछे मार्शल का काफ़ी एक बढ़िया प्लान चल रहा है। जैसे ही बी कैप्चर्स ऑन c3 आए दोस्तों, आप क्या करोगे, इस पोन को सेव करोगे, इस बिशप को सेव करोगे या फिर कुछ और खेलोगे। रेडी दोस्तों, यहाँ पे आया मार्शल का क्लासिक क्वीन सेक्रीफाइस, क्वीन कैप्चर्स ऑन f3 और इस क्वीन को टच भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप क्वीन को कैप्चर करते हो देन बिशप h3, किंग g1 एंड रुक e1, बिशप f1 और अब रुक कैप्चर्स f1 जो है वो चेकमेट है। बट दोस्तों यहाँ पे वाइट ने एक कॉम्बिनेशन किया और उसने क्या किया कि मार्शल का एक पीस ले लिया, क्वीन तो नहीं ली। सो क्वीन कैप्चर्स ऑन f3 के बाद एक्चुअली क्या हुआ कि पोन कैप्चर्स ऑन b4 खेला गया एंड नाउ नाइट c6 दोनों पोन पे अटैक है एंड देन अब बिशप कैप्चर्स ऑन h7 जो है वो यहाँ पे क्वाइट पॉसिबल है। बट इस पोजीशन में भी दोस्तों ब्लैक को जो है एक इनिशिएटिव मिल सकता है, ऐसे किंग h8 और अगर आप h4 खेलते हो ताकि आपकी चेकमेट की थ्रेट जो है वो निकल जाए एंड देन आप जो है यहाँ पे क्वीन को कैप्चर कर पाओ, बट देन क्वीन h5, अभी बिशप पे दो अटैक है, वैसे अब बिशप टू d3 जाते हो, बट देन नाइट कैप्चर्स b4 जो है
वो काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि क्वीन B3 के बाद भी आप इस नाइट को तो कैप्चर कर नहीं सकते, अदरवाइज क्वीन जो है D1 पे मेट हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे ब्लैक जो है वो F5 एंड A4 के लिए जा सकता है और इस ओवरलोडेड क्वीन को जो है वो टारगेट कर सकता है। सो गेम में दोस्तों नाइट C6 के बाद वाइट ने जो है वो बिशप B2 खेला एंड नाउ नाइट कैप्चर्स ऑन B4 और अब बिशप कैप्चर्स ऑन H7 और ये वाइट का प्लान था दोस्तों कि क्वीन के सामने क्वीन करो और आपको एक पीस ज़्यादा मिल रहा है, किंग H8 फोर्स एंड नाउ क्वीन को कैप्चर कर लिया क्योंकि अब जो है चेकमेट की थ्रेट नहीं है बिशप H3 के बाद, क्योंकि रुक E1 जो है वो पॉसिबल नहीं है, आपका रुक जो है वो लास्ट रिंग गार्ड कर रहा है, बट मार्शल ने यहाँ पे बिशप H3 चेक दिया एंड नाउ किंग G1 नाइट कैप्चर्स ऑन C2, अदरवाइज आप जो है क्वीन डाउन हो रहे हो बट अब बिशप कैप्चर्स ऑन C2। सो आप देख रहे हो कि वाइट जो है उसके पास एक एक्स्ट्रा बिशप है, बट दोस्तों दूसरी ओर ये रुक कब गेम में आएगा वो पता नहीं। यहाँ पे मार्शल ने रुक E2 खेला एंड दोनों बिशप पे अटैक है और दोस्तों यहाँ पे वाइट के लिए बेस्ट मूव ये है कि वो अपना एक बिशप दे दे, वो बिशप टू D3 के लिए, जिस केस में रुक कैप्चर्स ऑन B2 और अब बिशप F1 खेले ताकि एटलीस्ट ब्लैक का एक पावरफुल बिशप जो है वो यहाँ से निकल जाए और वाइट का ये रुक जो है गेम में आ सके। बट यहाँ पे वाइट ने जो है वो पीस बरकरार रखने का सोचा, उसने रुक E2 के बाद रुक C1 खेला एंड नाउ रुक A2 E8। सो यहाँ पे अभी ब्लैक की थ्रेट है रुक E1, रुक कैप्चर C1 और उसके बाद रुक कैप्चर ऑन E1 चेकमेट की, सो बिशप टू C3 ताकि E1 स्क्वेयर जो है उसको कवर किया जा सके। और दोस्तों इस पोजीशन में वीडियो पोज करके सोचिए कि ब्लैक को क्या खेलना चाहिए। गेम में ब्लैक ने जो है रुक H2 E3 खेला, बट इससे भी बेटर मूव आपके पास है, सो सोचिए क्या खेल सकते हो आप। रेडी, यहाँ पे ब्लैक को जो है वो रुक कैप्चर्स ऑन C2 खेलना चाहिए। पॉइंट ये है कि रुक कैप्चर्स ऑन C2 और रुक टू E6 के बाद रुक G6 चेकमेट को सेव ही नहीं किया जा सकता है, राइट। बट चलते गेम में जहाँ पे बिशप C3 के बाद एक्चुअली रुक टू E3 खेला गया एंड नाउ बिशप टू B4 खेला गया। इन केस इस पोजीशन में अगर आप रुक को कैप्चर करते हो बट देन रुक G2 जो है वो जस्ट विनिंग है क्योंकि किंग F1 एंड नाउ रुक कैप्चर्स ऑन C2, बिशप से चेक एंड रुक कैप्चर्स ऑन, उसके बाद रुक कैप्चर्स ऑन C1 आएगा एंड देन आपका ये रुक भी चला जाएगा लाइक दिस। किंग मूव होते ये रुक चला जाएगा और ब्लैक के पास जो है एक एक्स्ट्रा रुक रह जाएगा। सो यहाँ पे भी ब्लैक जो है वो विनिंग है। सो दोस्तों और क्या हो सकता था इस पोजीशन में से, आप बिशप टू E4 खेलो, आप सोच रहे हो कि आप जो है इस बिशप को सपोर्ट दे रहे हो, इस पोन को सपोर्ट दे रहे हो, बट वो गलत है क्योंकि इस बिशप को सपोर्ट ही नहीं दिया जा सकता। रुक कैप्चर C3 में बिशप चला जाएगा, आपका रुक ऑन C1 जो है वो ओवरलोडेड पीस है क्योंकि जैसे ही आप रुक को कैप्चर करोगे यहाँ पे रुक E1 जो है वो मेट हो रही है। सो इसीलिए रुक H2 E3 के बाद बिशप B4 खेला गया, बिशप को वहाँ से हटा दिया एंड नाउ दोस्तों रुक कैप्चर्स ऑन F3 एंड बिशप D1 गेम में खेला गया और यहाँ पे ब्लैक ने जो मूव की उसके बाद वाइट ने रेजिग्नेशन दे दिया। ब्लैक ने खेला रुक टू F6, सो यहाँ पे ब्लैक जो है वो रुक G6 चेक दे के मेट करना चाहता है अगर आप मेरा जो है रुक कैप्चर कर सकते हो करते हो एंड अगर आप यहाँ पे बिशप C2 खेलते हो जो कि ऐसा लगता है कि G6 स्क्वेयर जो है वो कवर हो गया, बट देन रुक कैप्चर्स ऑन F2 के बाद दोस्तों आपको दो तरह की चेकमेट सेव करनी है, एक रुक G2 चेकमेट और दूसरी रुक F1 रुक कैप्चर्स ऑन F1 एंड देन रुक कैप्चर्स F1 मेट हो रही है। और दोस्तों दोनों चेकमेट जो है वो सेव करना नामुमकिन है, सो इसीलिए रुक F6 जैसे ही गेम में आया एक्चुअली डेविड जोनोवस्की ने रेजिग्नेशन दे दिया। सो दोस्तों कैसा लगा आपको मार्शल का एक क्लासिक क्वीन सेक्रीफाइस और ये वीडियो, आई होप मेरा वीडियो जो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कॉमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।